सुनाने का टाइम इंद्रदेव को मिलना चाहिए। तमाकू गुटखा बीड़ी अंडा सिगरेट शराब छूट जाएगा तो जितनी बार मैं बोल रहा हूं वो बोलना बंद हो जाएगा, उतनी ज्यादा कथा सुनाएंगे। पर आप समझ लेना वकील साहब, बेड के नीचे से कूड़ा कभी कभी नहीं निकलता है तो झाड़ू 10 बार घुसेड़ना पड़ता, झुक झुक के घुस घुस के। और जब तक अंडा मांस गुटखा तमाकू नहीं छूटेगा, इंद्रदेव महाराज रिपीट 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 झाड़ू मारेगा, और झाड़ू भी नहीं काम करेगा तो फिर पोंछा मारेगा, पोंछा भी नहीं तो फिनाइल, फिनाइल नहीं तो। हाँ जी सुनिए सुनिए सुनिए, जैसा महात्मा इंद्रदेव का स्वरूप है वैसा देखना चाहता हूं सबका, जैसा गुरु वैसा। काय के लिए आए महाराज हम, जब तुमको तुम्हारे जैसा एक छोड़ जाए तो फायदा क्या है आने का। और भी पहले बहुत लोग आके चले गए पर कुछ नहीं करके गए, हम तो करके जाएंगे, निशान छोड़ के जाएंगे। बाढ़ आती है चली जाती है पर निशान छोड़ के, आंधी आती है और चली जाती है पर निशान छोड़ के जाती है, हवा आती है और चली जाती है पर निशान छोड़ती नहीं। हम हवा की तरह नहीं है हमारा, हम बाढ़ की तरह है, धो डालेंगे बिल्कुल, नहीं धुले तो तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे, काट देंगे, पर रास्ता बना लेंगे। देखो चेहरा कितना अच्छा, पाप धो दिए कि नहीं, आधे आज ही में, आधे 2 घंटे में धो दिए पाप। बिना पाप धुले हंसी आ सकती नहीं है, चेहरा प्रसन्न नहीं लगता पाप की वजह से, चेहरा मुरझाया सा टेंशन सा लगता है महाराज। अब ये कैमरे वाले कितने लगे पड़े, इनको एक को भी मुंह नहीं खोलना पड़ रहा है, स्माइल प्लीज स्माइल प्लीज, किसी को प्लीज नहीं बोलना पड़ रहा है। अब इनको बोलना पड़ेगा स्टॉप प्लीज स्टॉप प्लीज, रोको खुशी रोको हंसी रोको खुशी। आप सब अनुभवी हैं, बिना बिना पुण्य प्रताप के प्रसन्नता आनंद पैदा होता नहीं है, पैदा नहीं होता हमारा। आनंद पैदा करना है तो उसके लिए पाप जलाना पड़ेगा। पाप कब जलता है, रामायण में लिखा हुआ है, दरस परस मुख मंजन पाना कटत कलेश कह वेद पुराना। एक साधु सन्यासी पवित्र अगर हाथ लग जाए उसको आंखों से देखने से आधे पाप जल जाते हैं, आधे दुख जल जाते हैं, आधे कलेश जल जाते हैं, और उसके मुंह से भागवत और सुनने को मिल जाए तो पूरा खात्मा हो जाता है, पुण्य आत्मा प्रकट हो जाते हैं, तब हंसी आवे हमारा है, तब आनंद आवे हमारा है। सारे ऋषि मुनि हिमालय 100 वर्षों तक ध्यान भजन करते रहे पर कुछ हाथ नहीं लगा, जैसे गए वैसे लौट आए। क्यों, बिना सिद्धांत के कैसे भजन होगा, तुम्हारे मन में आया वही गा रहे वही बजा रहे भजन हो जाए, ना 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 ना, ना। नींबू शरबत बनाने का सिद्धांत है, चाय बनाने का सिद्धांत है, कॉफी बनाने का सिद्धांत है। ये मैं भी जानता हूं कि चाय और कॉफी दोनों बहन भाई जैसे, दोनों ही गर्म पानी से बनते हैं, दूध से बनते हैं, शक्कर से बनते हैं, पर दोनों को बनाने के फॉर्मूले अलग अलग है हमारा, एक ही से दोनों नहीं बन जाएंगे। चाय बनाने का फॉर्मूला है, भागवत का फॉर्मूला है, भगवान पाने का फॉर्मूला है, ध्यान करने का फॉर्मूला है, और पाप मुक्त होने का फॉर्मूला है, जवान होने का फॉर्मूला है, और लंबी आयु लंबी भक्ति लंबी तेज लंबी योग करने का फॉर्मूला है। किसके पास, गुरु जी के पास, भागवत के पास, सत्संग के पास। समद्वाराम संगम च समद्वाराम गते भूय समद्वाराम संगे भे समद्वाराम से भागवतम। सारा काम छोड़ दो, कर्म छोड़ दो और भागवत का आनंद लो। आपका कितना जीवन निकल गया,
कितनी उम्र समाप्त हो गई, पर ये पांडाल, ये कथा, ये वाणी आपको पहली बार मिल रही है महाराज। इसीलिए सब छूट जाए पर अब ये कथा नहीं छूटनी चाहिए। न जाने क्या मिल जाएगा जीने के लिए, कौन सा फॉर्मूला ये 3 घंटे में हमारे सामने ये महाराज प्रकट कर देगा, जिससे हम श्रवण करके कल हमारे जीवन को नया कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, बुढ़ापा जवान नहीं हो सकता? हो सकता है, पर आना चाहिए आपको बुढ़ापा जवान करने का फॉर्मूला। पुरानी साड़ी नहीं हो रही है, पुरानी प्लास्टिक नहीं हो रही है, पुराना नया नया हो रहा है, पुराना फाइबर नया हो रहा है, पुराना लोहा नया हो रहा है, पुरानी मिट्टी नहीं हो रही है, पुराने घर नए हो रहे हैं, सब चीज नहीं हो रही है, पुराने दांत नए हो रहे हैं, पुराना हाड़ नया हो रहा है, तो जीवन क्यों नहीं पुराना नया हो सकता है। सब कुछ, सबका एलिवेशन हो रहा है, पुराने घर को बदल दिया जाता है, बिना तोड़े नया कर दिया जाता है। हम भी कह रहे हैं आपके शरीर को नया किया जा सकता है, विचार नए कर लो। यस्यं भागवतम गति